हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश संधू और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे संविधान के अंदर हम किन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का मीनिंग क्या होता है, और दूसरा हम आज पढ़ेंगे कि स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ कौन कौन सी हैं जो हमारे देश के अंदर हैं। ये टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप LLB एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको इस वीडियो की PPT चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी से, इनका मीनिंग क्या होता है और डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज हमारे देश के अंदर कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं ये हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं होती हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं ड्यू टू देयर फंक्शंस, और ये क्रिएट होती हैं बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जब भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर कोई एक्ट पास करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट असेंबली के अंदर कोई एक्ट पास करती है, तो उस एक्ट से जो है वो स्टेटूटरी बॉडीज बनती हैं, और ये अपनी पावर डिराइव करती हैं फ्रॉम द स्टेट्यूट्स या फिर एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। हम उनको बोलते हैं स्टेट्यूटरी बॉडीज। अब हम समझते हैं कि डिफरेंट स्टेट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी है। पहली हमारे पास आती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको सेटअप किया गया था 1988 के अंदर, और इसको स्टेट्यूटरी पावर दी गई थी 92 के अंदर, जब हमारी पार्लियामेंट के अंदर सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 के अंदर। दूसरा हमारे पास आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टेट्यूटरी बॉडीज है क्योंकि ये बाय एक्ट फॉर्म की गई है। तीसरी हमारे पास आती है इंडस्ट्रीगण कमीशन, जिसको हम UGC बोलते हैं, ये भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन 1956 के अंदर। और फोर्थ हमारे पास है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। इसको सेटअप किया गया था बाय NGT एक्ट 2010 के अंदर। और फिफ्थ हमारे पास आती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्यूटरी बॉडीज है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आता है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 के अंदर बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर, जिसको बाद में अमेंड किया गया था 2006 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बॉडीज है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बॉडी आती है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था 92 के अंदर अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वीमन एक्ट 1990 के अंदर। और हमारे पास नेक्स्ट आती है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये भी एक स्टेटूटरी बॉडी है। इसको सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंदर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको 7 बॉडीज के बारे में बताया, बॉडीज और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन इन्हीं 7 में से ही बनता है। आगे हम समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या क्या होती हैं, उनका मीनिंग क्या है। दोस्तों, जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है वो नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉर स्टेट्यूटरी, मतलब कि ना ये हमारे संविधान के अंदर मेंशन होती हैं और ना ये किसी एक्ट के अंदर मेंशन होती हैं। तो ये प्योरली एक एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है जो फॉर्म होती हैं बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन और एक्शन, मतलब कि ये डिपेंड होता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो अपने इच्छा से कोई बॉडीज को बना सकते हैं जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज बोलते हैं। दोस्तों, ये जो है वो कभी भी स्टेट्यूटरी बॉडीज बन सकती है, हमारी सरकार इसको कन्वर्ट कर सकती है बाय एग्जीक्यूटिव बॉडी टू स्टेट्यूटरी बॉडी, वो एक एक्ट लाके। हमारे पास यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, जिसका पहला नाम है नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था। अब यहीं से समझ आता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज किस तरह से होती हैं, मतलब कि अगर सरकार को कोई भी चेंज करना है एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर, तो उनको कहीं भी कोई लॉ पास नहीं करना पड़ता है, ना कोई संविधान के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ती है, वो अपने तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि प्लानिंग कमीशन के अंदर हुआ, जो 14 से पहले प्लानिंग कमीशन था और 14 के बाद उसको नीति आयोग बनाया गया, तो सरकार ने अपने तरीके से उसके अंदर चेंज किया। और दूसरी बॉडी हमारे पास आती है नेशनल लॉ कमीशन, ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अगर आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे या बहुत सारे साइट्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पे नेशनल लॉ कमीशन को एक स्टेट्यूटरी बॉडी बताया गया है, वो सरासर गलत है, क्योंकि नेशनल लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो हर 3 साल के बाद हमारी सरकार ये कमीशन बनाती है, तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। मेरे पास जो नेशनल लॉ कमीशन की साइट है वहां से मैंने PDF डाउनलोड की है,
वहां आप इसके बारे में पूरा मेंशन किया गया है कि किस तरह की बॉडी है, इसके क्या क्या काम है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे लिए सुझाव है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।